99% स्पाइन की प्रॉब्लम्स का इलाज बिना किसी सर्जरी के संभव है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत मलिक है। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन स्पाइन एंड नर्व स्पेशलिस्ट इन यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद। अगर हम बात करें तो स्पाइन की मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स को मेडिकली हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स जो स्पाइन में हमें तंग करती हैं वो है डिस्क का निकलना। कॉमनली देखा जाता है सर्वाइकल लेवल पे या लंबर लेवल पे, जो रीढ़ की हड्डी के मन के होते हैं उनके बीच में जो डिस्क होती है, जब वो अपनी जगह से निकल जाती है तो वो फिर नस पे दबाव पैदा करने लगती है। जहाँ भी ये नस सप्लाई करती है वहाँ पे आपको तकलीफ होती है, जैसे कि दर्द का जाना, सुनपन होना या झंझनाहट होना। अगर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार शारीरिक कमजोरी भी आ सकती है। इसके अलावा स्पाइन में ट्यूमर्स कॉमनली देखे जाते हैं, लिस्थेसिस यानी कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी के ऊपर से खिसक जाना, ये भी एक स्पाइन की कॉमन प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स का इलाज मेडिकली संभव है। इन केस अगर वो प्रॉब्लम बहुत ही सिवियर हो जाती है तो ऐसे केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।